देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे गांव तो एकजुट ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गोवर्धन विधानसभा के गांव कोनहई में विकास नहीं तो एकजुट ग्रामीणों ने चुनाव में वोट न देने का फैसला कर लिया है। करीब 7,000 आबादी के गांव में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे पंचायत की और पंचायत ने सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि चुनने से कोई फायदा नहीं है, गांव से निकलने का रास्ता ही नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले ननिहाल दल दल कीचड़ व गड्ढे युक्त सड़क पर चलने को मजबूर है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3-3 संपर्क मार्ग वर्षों से टूटे पड़े हैं। यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं अपितु गड्ढा युक्त सड़क है। गांव में माननीय विधायक व सांसद के 5 साल दर्शन नहीं है। अब गांव वाले अपनी वोट का एहसास दिलाएंगे, जब वोट नहीं डालेंगे तो ध्यान उनकी समस्याओं की ओर जाएगा। गांव की जब भी बारिश आती है यही पूरा हो जाता है और जहाँ के जितने भी रास्ते हैं सारे ऐसे ही हो जाते हैं। हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है और हमें क्या जो भी यहाँ से आने वाले हैं या जाने वाले हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं और यहाँ पे ना तो कोई देखने के लिए आता है। कई बार वीडियो भी बना के फेसबुक पर डाली हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की, तो कोई देखने वाला नहीं है। पॉप सिंह, समस्या ही समस्या है भाई साहब। राधा कौन से कौन ही सड़क है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। बीजेपी सरकार में एक भी सड़क हमारी बनी नहीं है। गड्ढा मुक्तन में भी कोने गांव की एक भी सड़क नहीं आई है। इस सड़क पे पंजाबी का नगला पड़ता है, कोने ही पड़ती है, पेलगू पड़ता है, सीधे हाईवे में जाके लग जाती है। और छठीगढ़ से राधा कौन से टच हो रही है हमारी जुलेदी कोने सड़क, वो भी कम से कम घोटू घोटू गड्ढे हो रहे हैं, वो भी सरकार में नहीं बनी है। 4.5 साल हो गई सरकार को, कई बार बात करी है, हाँ कर जाते हैं, बनवा देंगे, बनती है नहीं है, झूठे वादे कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में राधाकुंड को नहीं सड़क बनी, अखिलेश सरकार में, और इस बीजेपी सरकार में एक भी सड़क नहीं बनी है। अब ये फैसला है इस सड़क पे, इस गाँव में 4-5 गाँव पड़ते हैं, इस रोड पर 4-5 गांव पड़ते हैं, चारों पांचों गांव इस चुनाव का 2022 में आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं गिरेंगे। अंजलि 10th क्लास, हम स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में और हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है। कीचड़ में होके जाना पड़ता है, नहीं आता।